वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली द ऑल इंपॉर्टेंट संडे हैज अराइव्ड। अपने पूरे के पूरे रन में, यानी कि जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी रहेगी, आज से ज्यादा पैसा ये कभी नहीं कमाने वाली है। आज का दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेट्स सी क्या इस दिन का पूर्ण तरीके से फायदा जो है सिंघम अगेन उठा पाती है या नहीं पाती, ये रात तक पता चलेगा। लेकिन भैया, कल मंडे भी है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली संडे के रात के शो उतना जंप नहीं लेते हैं जितना सैटरडे के शो जो है जंप लेते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल डे टू सैटरडे के शो जंप लिए या गंदा वाला ड्रॉप आया, क्या कल के कलेक्शन जो है डे नंबर 1 को मैच कर पाए या नहीं कर पाए। एंड आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह से सिंघम अगेन इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। अगर आप सिंघम अगेन देखने के लिए जाएंगे तो आपको रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का जो लोगो है, यस फ्रेंड्स, जैसे कि यशराज का स्पाई यूनिवर्स है, वैसे रोहित शेट्टी का अब कॉप यूनिवर्स का उन्होंने अपना एक लोगो बनाया है। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके मेकर्स उस लोगो को अगर मीडिया में रिवील करें, तो जो लोग सिनेमा घर में लेट जा रहे हैं या फिर जो फिल्म अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और बस जो है वो बन जाती है उन लोगों को देखकर। गाइस, हम बड़े होते होते मार्वल का, डीसी का, यू नो, ये सब पिक्चर्स के लोगों देख देख कर बड़े हुए हैं। हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसे लोगों जो बहुत रेयर हुए हैं, वायरस स्पाई यूनिवर्स हुआ, उसके बाद अब जो है रोहित शेट्टी ने अपना कॉप यूनिवर्स का लोगो बनाया है। तो भैया, मीडिया में रिवील कर दीजिए भाई, आनंद हो जाएगा देखकर। इसी नोट पे एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले 24 घंटे में फिल्म ने 5,20,000 टिकट जो है वो बेची है, यानी कि सिंघम अगेन की रफ्तार जो है टिकट खिड़की पर जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बात करूं गाइस, कल की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 28 थी, आफ्टरनून 67, इवनिंग 76, एंड उम्मीद थी कि कल सैटरडे था तो ऑक्यूपेंसी बढ़ के 85-90 जाएगी। लेकिन फिल्म ने जंप तो नहीं दिखाया, लेकिन फिल्म गिरी भी नहीं। फिल्म काफी स्टेडी लेवल्स पर स्टेडी थी, एंड इसी कारण है नाइट के शो 77% पे थे, यानी कि वो जंप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि इस फिल्म के डे टू के कलेक्शंस डे वन के आगे ले जाते हैं, वो यहां पर देखने नहीं मिला। इसलिए गाइस, माय न्यू प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 2 इज 42.70 करोड़। यस फ्रेंड्स, ये फिल्म ओपनिंग डे से 1 करोड़ है वो कम कमाने वाली है। अब लेट्स सी गाइस, कलेक्शंस कितने बजे आते हैं, जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगा तब हम टैली करेंगे। इसी के साथ डे नंबर 1 43.70 करोड़, डे नंबर 2 42.70 करोड़, सिंघम अगेन दो दिनों में 86.40 करोड़ की कमाई जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। रात को हमने देखा शोज जो है वो बढ़ रहे हैं। कल पूरे दिन 1054 शोज थे, रात को बढ़ के 1085 शोज हो गए। 88% मुंबई में हुआ। अनदर स्ट्रॉन्ग जोन इज पुणे, पुणे में 453 से 481 शोज कर दिए, शोज बढ़ा दिए। बैंगलोर में भी 345 से 355 शोज कर दिए। हैदराबाद में 251 से 260 शोज हुए। रात की ऑक्यूपेंसी 72% हो गई, क्योंकि इवनिंग ऑक्यूपेंसी 48 थी, बट अहमदाबाद इज डूइंग सॉलिड बिजनेस। 758 शोज हुए 90%। चेन्नई में 99 से 103 शोज हुए, 86% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग वॉज 82। एंड सूरत 411 से 422 शोज हुए, इवनिंग 73% ऑक्यूपेंसी थी, रात की 84% ऑक्यूपेंसी जो है वही है। इसी का कारण है फिल्म स्टेडी रही, गिरी नहीं। लेकिन बाकी सब जगहों पर अगर और जंप्स होता तो ये डेफिनेटली फर्स्ट डे कलेक्शन जो है उसको पार कर देती। लेकिन अभी तक फाइनल डेटा नहीं आया है, उम्मीद करते हैं कि जो पॉजिटिव है वही यहाँ पर हमारे सामने आए। बात करते हैं डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ आया था, जो डे 2 42.70 करोड़ का प्रेडिक्शन है, उसका ग्रॉस होगा 51.1 करोड़। ओवरसीज 12 करोड़ आएगा। कल भी ये फिल्म 63 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि दो दिनों में इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को 128 से 129 करोड़ के पार जो है पहुंचा देगा। लेट्स सी गाइस, आज दूसरे दिन का जो वर्ल्ड वाइड पोस्टर हो कितना आता है। ओवरसीज रणवीर सिंह जो ह्यूज सुपरस्टार, ह्यूज ह्यूज ह्यूज, उसने इतने बाप लेवल के कलेक्शन दिए हैं ना। उम्मीद थी कि रणवीर सिंह के होने के कारणवश एंड दीपिका के होने के कारणवश ओवरसीज और जो है पुश जाएगा। क्योंकि गाइस, अगर हम कॉप यूनिवर्स देखें तो सूर्यवंशी का ओवरसीज 61.58 है, लेकिन सिम्बा का ओवरसीज 92.1 करोड़, तो क्रेजी गई थी पिक्चर वो।
सिम्बा इज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कलेक्शन इन द कॉप यूनिवर्स. लेट्स सी गाइस, अभी दो दिनों में सिंघम वगैरह 24-25 करोड़ हुआ है ओवरसीज. उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म भी जो है आस्ते आस्ते एटलीस्ट 65-70 करोड़ जो है वो यहाँ पर ओवरसीज बिजनेस जो है करते हुए दिखाई देगी. अब गाइस बात करते हैं आज संडे की, तो मोर देन 12 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है यहाँ पर सिंघम अगेन की, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर उसके डे 3 आने के संडे के लिए. इसी कारण है माई प्रेडिक्शन फॉर सिंघम अगेन ऑन डे 3 इज 45 करोड़. यस फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज ये फिल्म पहले दूसरे दिन के यहाँ पे कंपेरिजन में थर्ड डे बहुत ज्यादा पैसा जो है कमाएगी. इनफैक्ट शाम होते होते ही ये फिल्म 35-36 करोड़ जो है 7-8 बजे जो है कमाने की पूर्ण तरीके से क्षमता रखती है. एंड अगर ये 45 करोड़ कमाती है देन गाइस ये फिल्म 3 दिनों में 131 से लेकर 132 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है. तो आज का प्रेडिक्शन है मेरा 45 करोड़. 45 करोड़ का ग्रॉस होता है 54 करोड़. ओवरसीज आज भी कहीं ना कहीं 10 करोड़ आएगा एंड टोटल ओवरसीज कलेक्शन जो है 3 दिनों का वो 35-36 करोड़ जो जाते हुए दिखाई दे रहा है. सो गाइस आज का भी प्रेडिक्शन मेरा 64 करोड़ है. एंड अगर मैं 64 करोड़ कल दो दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल में ऐड कर दूं तो 3 दिनों में सिंघम अगेन पूरे विश्व भर में 192 से 193 करोड़ जो है वो यहाँ पर कमाते हुए दिखाई दे रहा है. उम्मीद तो थी कि संडे 50 करोड़ जो है ये फिल्म कमाएगी, तो इंतजार है जब टिकट की खिड़कियां जो है खुलेगी. अभी से शोज जो शुरू हो चुके हैं 7 बजे से ही, तो दोपहर तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या ये 45 तक जाएगा या 45 के ऊपर जो है जाकर 50 करोड़ मारने की पूर्ण तरीके से कोशिश करेगा. अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर सिंघम 2 की. सिंघम 2 ने 140.62 करोड़ की कमाई की थी, तो वो कलेक्शन जो है मंडे को ब्रेक कर देगा एंड सिंघम फ्रेंचाइजी में सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो है सिंघम अगेन बन जाएगी. सिंघम 2 का वर्ल्ड वाइड था 220.5 करोड़, वो भी जो है टूट जाएगा. सो जस्ट इमेजिन यहाँ पर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन के साथ सिंघम 2 का रिकॉर्ड 3 दिन में तोड़ दिया है. दिस इज अ सक्सेसफुल फिल्म. जब आप कभी ट्रीक्वल बना रहे हो, थर्ड पार्ट आ रही है, तो पार्ट 2 से ज्यादा पैसे कमाने हैं. अगर नहीं कमा रही है तो जितना बजट है उसको भी जो है वो रिकवर करने की पूर्ण तरीके से आवश्यकता है. अब यहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया है वो टिक कर दिया है कि सिंघम 2 का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर फिल्म तोड़ देती है. अब आते हैं सूर्यवंशी पे. सूर्यवंशी 50% ऑक्यूपेंसी पर रिलीज हुई थी, 196 करोड़ इंडिया में कमाया था. तो पहला टारगेट सिंघम अगेन का होगा 196 करोड़ सूर्यवंशी का. सूर्यवंशी ओवरसीज 61.58 करोड़ कमा के वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का बिजनेस की थी. तो यहाँ पर कैसे भी सिंघम अगेन को 295 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कैसे भी हफ्ता खत्म होते होते जो है वो पार करने की पूर्ण तरीके से आवश्यकता है. फिल्म को मंडे बहुत ही स्टेडी रहना होगा. पहले दिन यहाँ पर 43-44 करोड़ रुपीज आया है, तो गाइस 50% का ड्रॉप लेते हुए मंडे कैसे भी 17-18 करोड़ फिल्म को कमाना ही कमाना है टू बी इन द रेस ओवर ईयर. बात करते हैं सिम्बा की. सिम्बा का 240.31 करोड़ का बिजनेस है. या सिंघम अगेन को कैसे भी इंडिया में 300 करोड़ नेट तो मिनिमम जो है यहाँ पर जाने की आवश्यकता है. सिम्बा का रिकॉर्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है. सिम्बा का ओवरसी 92 करोड़ था, क्रेजी. एंड सिम्बा का वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपया था, 400.19. तो लेट्स सी गाइस क्या सिंघम अगेन 300 करोड़ इंडिया नेट टच करती है. अगर 300 करोड़ इंडिया नेट टच किया तो 360 प्लस उसका ग्रॉस होगा एंड ओवरसीज भी उसको 60-70 करोड़ कमाकर 420 एंड 430 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस तो कैसे भी करना है. तो लेट्स सी गाइस, आने वाला समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंघम अगेन के लिए. 3 दिन में तो ये ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस में सर्वाइव कर लिया है. अब मंडे बहुत ही क्रूशियल है इस फिल्म की सफलता के लिए. पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्मैम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. अब इंतजार है डे नंबर 2 के ऑफिशियल नंबर का. टुडे इज गोना बी सुपर संडे एट द बॉक्स ऑफिस फॉर सिंघम अगेन. चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन बटन जो है वो ऑन कर लीजिए. द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द कॉप यूनिवर्स हैज अराइव्ड. इसका नाम है सिंघम अगेन. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन. सुपर संडे.